हर बार ऐसे ही होता है राजेश भाई, राजेश भाई ऐसे, राजेश भाई वैसे, राजेश भाई यहाँ होते तो ऐसे करते, राजेश भाई वहां होते तो वैसे करते। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि यम को साफ साफ बोल दूं, मेरी तुलना तुम राजेश वागले से करती हो, कभी अपनी तुलना परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ भी तो करो। अरे राजेश वागले भगवान बना बैठा है क्योंकि उनकी शादी गलती से परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ हो गई है। देखो भाई क्या बकवास कर रहे हो आप, गलती से हुई है शादी का क्या मतलब है? आप दोनों की बकवास में इतनी देर से सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल लो। ओके, अब तक मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब मैं कहता हूं कि मैं आप दोनों से अच्छा पति हूं, और वो इसीलिए क्योंकि मैं अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करता हूं, उसके सम्मान की रक्षा करता हूं। ये आप जैसे मर्द वाले ईगो में नहीं रहता, बाहर का गुस्सा घर आकर अपनी पत्नी और बच्चों पर नहीं निकालता। मैं नैवेद्य जैसे रिश्तेदारों की वजह से अपनी पत्नी को ताना नहीं मारता, और ना ही हो हेलो ना ही अपनी पत्नी को किसी पुराने रिश्ते को लेकर अभी अपने बाप के घर चली जा ऐसा कहता। हाँ तो जो एक मिनट तक एक मिनट ठीक है राजेश भाई, माना माना कि हमारा तरीका गलत है, हम लोग है वो क्या बोलते हैं उसको ईगोइस्टिक आदमी है ना, दुनिया के सबसे वाहियात खराब और सड़ेले पति है हम लोग, और मैं तो एक नंबर का टुच्चा आदमी हूँ जो वो दिलराज की बात पता चलती है अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, हूँ मैं खराब आदमी हूँ बस। लेकिन आप ओ प्रभु आप तो आदर्श की मूर्ति हो ना, तो एक बात बताइए मारे को कि अगर आपको पता चलता कि वंदना भाभी की लाइफ में आपसे पहले कोई था तो आप क्या करते बताइए? अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो मैं आपकी तरह रिएक्ट नहीं करता, उस सिचुएशन में भी मैच्योरली हैंडल करने की क्षमता रखता हूं, और इसीलिए यह विश्वास के साथ कहता हूं कि हूं मैं अलग आप दोनों से। बोए, 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 बोए। और मेरी मूर्ति बनाने से अगर आप दोनों को अच्छे हस्बैंड बनने की प्रेरणा मिलेगी ना, तो मैं अपने मेजरमेंट्स आपको थोड़ी देर में मैसेज करता हूं। ओके, गुड नाइट। जोयू जोयू पंटे जोयू, हमें इगोइस्टिक बोल रहा है हमें, राजेश वागले खुद कितना इगोइस्टिक है ये देखा। मेजरमेंट भिजवा दूंगा, मूर्ति बनवा लो। पंटर मुझे तो लगता है इसकी मूर्ति बनवाने का नहीं बल्कि इसकी आदर्श पति वाली मूर्ति तोड़ने का वक्त आ गया है। क्या बात है दकु, पहली बार तेरी बात से मैं सहमत हूं। वाह, मूर्ति तोड़नी तो पड़ेगी। मूर्ति के बीच में ना इसी कोई दरार पैदा करनी पड़ेगी जिससे जो राजेश भाई की आदर्श पति वाली जो इमेज है ना, जो उनकी मूर्ति है, वो अपने आप ही टूट जाए और हमारी पत्नियों को भी लगे कि राजेश भाई तो हमारे जैसे ही आम पति है। सर ये सब करेंगे कैसे? चल सुन देख, सोच अगर राजेश भाई को ये पता चले कि वंदना अभी के जीवन में उनसे पहले भी कोई था तो ए पंटर मुंगो मर, परम पूज्य वंदना भाभी की लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सोचना अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ समझा नहीं पंटर। चुप ही ना, छाला रे एक नंबर का। सुन सुन मैं समझाता हूँ, देख गॉड है ना, तो फिर करते हैं मूर्ति में दरार खड़ी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।